अपना नाम बताइए मैम। अरुणिमा पोड़िया। आप कहाँ से हैं मैम? वेस्ट बंगाल। बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए मैम। अंशु कुमारी। आप कहाँ से हैं मैम? सिक्किम से। अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप कहाँ से हैं? बिहार से। अपना नाम बताइए भाई। उत्तम राजा। आप कहाँ से हैं? अपना नाम? शिवम त्रिपाठी, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइए मैम। अलका बिन फ्रॉम मध्य प्रदेश। बहुत बड़ी बात है, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में तमाम प्रदेशों से स्टूडेंट के साथ मुलाकात हो रही है। आप बताइए मैम, आपका क्या चल रहा है विश्वविद्यालय से? बीए फर्स्ट ईयर। तो आप यहाँ किस पर्पज़ से एडमिशन ली हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैसा है कैसा नहीं? आपको कोई मोटिवेट किया था या फिर आप सब जानी थी? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इससे पता चला था और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। क्या क्या मिला है मैम? साइकोलॉजी, मेडिवलिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर। चलिए आप की तो इंग्लिश तब तो अच्छी ठीक ठाक होगी पकड़ आपकी इंग्लिश में। क्लास चलती है? हाँ क्लास चलती है रेगुलर। आप खुश हैं? हाँ। विश्वविद्यालय की जो क्लास ऑफलाइन चल रही है? हाँ खुश हूँ। तो आप क्या तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में? हायर स्टडी करना चाहती हूँ। मतलब किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? साइकोलॉजी। मतलब क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? साइकोलॉजी लेके हायर स्टडी करना चाहती हूँ, उसके बाद रिसर्च। अच्छा रिसर्च, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए मैम, आप सिक्किम से हैं, तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनेक प्रदेशों से छात्र आते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं, आप भी बहुत दूर से आई हैं, क्या उम्मीद लेके आई हैं? आपके माता पिता किस पर्पज से यहाँ भेजे हैं? मैं यहाँ पहले बीए करूँगी, उसके बाद एलएलबी करूँगी, उसके बाद लॉयर बन जाऊँगी। लॉयर बहुत बड़ी बात होती है, आप भविष्य में जज भी बनिए और बहुत बड़ी बात होती है। आपका मतलब कैसा रहा यहाँ का मतलब परिवेश, आप घूमी, आपका तो अच्छा सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी है, तो कैसा रहा विश्वविद्यालय? बहुत अच्छा है, कैंपस भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हम। कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे अच्छा लगा? साइकोलॉजी। वकील। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा लगा आपको? बड़े भाई पूछिए। हाँ आपका कौन सा मतलब सब्जेक्ट मिला है आपको? साइकोलॉजी। आप क्या तैयारी करना चाहते हैं बड़े भाई? अभी तो यहाँ से बीए करना चाहते हैं। बीए? भविष्य में मतलब किस पद को सुशोभित करना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए सर कि जो विश्वविद्यालय का ये फैकल्टी प्रांगण है, आपको कैसा लगा? जी बहुत बेहतरीन लगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। हमने अपनी एक साल की पढ़ाई अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रखी है बिहार से, बट उसके तुलनात्मक में अगर यहाँ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ के कुछ चीज़ें बताएंगे? यहाँ की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के कलर, जो कुछ भी अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलाते हैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के होनहार छात्र, देव की भूमि बता रहे हैं। आप बताइए सर कि आप विश्वविद्यालय में बीए आपका चल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। आपका कौन सा ईयर है? हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर? सबका फर्स्ट ईयर, हम सबको फर्स्ट ईयर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स है यहाँ पे अभी। कॉमर्स भी? न्यू कॉमर्स। अच्छा नए लोग, बहुत बड़ी बात होती है। आप बताइए देवरिया देव भूमि से आप भी बता रहे हैं हम आए हैं, तो आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहेंगे अभी तो इस विश्वविद्यालय के महान जैसी संस्था से? फिलहाल तो मतलब अपना जो बीए है उसको मतलब जितना अच्छे से हो यहाँ पे करना चाहेंगे, और यहाँ का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, खास करके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है बहुत काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रोफेसर हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, और क्लासेस हमेशा रेगुलर रहती है, मतलब खास करके डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कभी क्लासेस नहीं रुकती हैं। तो आगे भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। यूपीएससी, चलिए आप भी देवभूमि को दबदबा बनाए रखिए। आप मैम बहुत दूर से आई हैं एमपी। जी बहुत बड़ी बात है। एमपी किस डिस्ट्रिक्ट से मैम? मैं सीधी से हूँ, सीधी डिस्ट्रिक्ट से। सीधी एमपी जी। आपका ग्रेजुएशन विश्वविद्यालय से कौन कौन सा सब्जेक्ट है मैम? मेडिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप को किसने गाइड किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारी बेटी, या आपके पेरेंट्स, माता पिता, या फिर आपकी बड़ी बहन, बड़े भाई या छोटे भाई बहन, आपको किसने मोटिवेट किया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय है, जाइए हमारी बेटी वहाँ जाएगी पढ़ने लिखने, तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला कि मतलब कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब इससे पहले नहीं पता था, फिर बाद में मतलब पता चला यूट्यूब के द्वारा कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद से एग्ज़ाम वगैरह हुआ, फिर यहाँ पे मैं आई। यूट्यूब के थ्रू, बहुत बड़ी बात होती है, मतलब यूट्यूब का दबदबा भी अभी कायम है जी, काफ़ी हेल्प करता है यूट्यूब। हम सब यूट्यूब से ही प्रिपरेशन किए थे हमने।
यूट्यूब से ही? चलिए तमाम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग लगातार इस समय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया रही है आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एकेडमी की पूरी टीम लगातार प्रवेश प्रक्रिया पे हेल्प की भी की और लगातार छात्रों के प्रति जो है मोटिवेट हमेशा गाइडेंस जो भी समस्याएं आती थी उसका सॉर्ट आउट करती थी। तो आप मैम बताइए खास बात आप बहुत बड़ी बहुत दूर से आई हैं बंगाल से वहाँ पर तो काफ़ी शिक्षा का माहौल भी होता है आप यहाँ आई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको आप YouTube के जरिए यहाँ आपको किसके जरिए YouTube से ही मुझे पता चला मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना था इसलिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की YouTube के माध्यम से उसके बाद मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला फिर मैं एंट्रेंस थी। तो आपको मतलब पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय घूमी साइंस फैकल्टी भी गई हम चुके हैं मतलब सब मतलब इलाहाबाद घूम चुकी हैं आप। हाँ फैकल्टी बस साइंस फैकल्टी गए और उधर लॉ फैकल्टी नहीं गए हम तो लॉ फैकल्टी भी जाइए घूमिए वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तमाम साथी आप लोगों को देखेंगे और आप लोगों की सराहना करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं मैम बताइए आप कि जो यहाँ का शिक्षा का अलग है जो जल रहा है अभी कुछ छात्र एवं छात्राएं कुछ मुद्दे की बात भी कर लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तमाम स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि जो हमारी आगामी परीक्षा हो वो ऑनलाइन कराई जाए तो आपकी सहमति क्या रहेगी अपनी राय बताएंगी मैम सिर्फ आपकी राय मैं ले रहा हूँ। मैं चाहूँगी कि परीक्षा ऑफलाइन ही हो क्योंकि जो एक्चुअल एजुकेशन है वो मिलना चाहिए ऐसे प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में होगा आप किसको प्रमोट करना चाहती हैं ऑनलाइन आप फिर ऑफलाइन 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 हम सब ऑफलाइन जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद।